गंदुम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए मन मुकर्रर। फ्लोर मिल्स को गंदुम रिलीज करने की कीमत 4,700 रुपए मन होगी। वजीर आला की जेरे सदारत अहम इजलास, गंदुम के कोटे पर पाबंदी आयद कर दी गई। वजीर इत्तला आमिर मीर और वजीर सनत व तजारत एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर ने कहा कि गन्ने की इमदादी कीमत 400 रुपए मन होगी। क्रशिंग का अमल 20 नवंबर से शुरू होगा। स्मॉग खतरनाक हो गई, जुमा से सख्ती करेंगे। दफा 144 नाफिज रहेगी, लोग 3 दिन तक घरों में रहें। वजीर आला ने अगले 4 रोज स्मॉग के हवाले से अहम करार दे दिए। मोहसिन नकवी का एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा, बोले शहर में जितनी ट्रैफिक कम होगी स्मॉग में कमी आएगी। 27% काम मुकम्मल हो चुका, मंसूबे से रिंग रोड सर्कल मुकम्मल हो जाएगा। जुमेरात, जुमा और हफ्ता को 8 अजला में बैंक बंद रखे जाएंगे। निगरान वजीर आला का गवर्नर स्टेट बैंक को फोन, स्मोक से मुतालिक संगीनी से आगाह किया। गवर्नर स्टेट बैंक ने वजीर आला की तजवीज से इत्तेफाक कर लिया। हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट, मुकामी अदालतें भी 10 नवंबर को बंद रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में फॉग और स्मोक का राज, हद निगाह में कमी आ गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 437 रिकॉर्ड, लाहौर दुनिया भर में आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर आ गया। दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे दाखिला पंजाब ने रेस्टोरेंट पर टेक अवे पर पाबंदी लगा दी, होम डिलीवरी की इजाजत, नोटिफिकेशन जारी। 9 नवंबर को ऑटो पार्ट्स मार्केट बादामी बाग खुली रहेगी। सदर अंजुमन ताजरान वकार अहमद मियां के मुताबिक कारोबार जारी रहेगा। चेयरमैन शालम मार्केट्स बोर्ड अजमत शाह और सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट का भी मार्केटें खुली रखने का ऐलान। दूसरी तरफ सरकारी और प्राइवेट स्कूल 10 और 11 नवंबर को बंद रहेंगे, नोटिफिकेशन जारी। शुगर मिल्स का क्रशिंग सीजन शुरू ना करने का एकदम चैलेंज। हाईकोर्ट का केन कमिश्नर को एक हफ्ते में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस अनवार हुसैन ने केस सुनता दिया। गन्ने की कीमत मुकरर ना करने के केस में जस्टिस राहिल कामरान शेख का सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज चीफ सेक्रेटरी को नोटिस, जवाब तलब। हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इकदाम, तमाम टीचिंग अस्पतालों को यकसा मियार का हामिल बनाया जाएगा। टीचिंग अस्पतालों के अपग्रेडेशन में यकसा मियार को यकीनी बनाया जाएगा। इमारतों की तज़ीन और आराइश भी यकसा तर्ज की होगी। बेड्स, तिबी आलात यकसा मियार के हामिल होंगे। यूटिलिटी स्टोरों पर अशियाई कोरोनोस की किल्लत बरकरार, हर जगह आटे की पुकार। सप्लाई को ब्रेक लगे, अरसा गुजर गया। घड़ी शाहू, धर्मपुरा, दारोगा वाला में यूटिलिटी स्टोर पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। ताजपुरा स्कीम, फतेहगढ़, जल्लो, मनामा में भी आटे दालों की किल्लत। कम आमदनी वाला तबका परेशान। वजीर आला मोहसिन नकवी का सर्विसेज अस्पताल का अचानक दौरा, इमरजेंसी में मरीजों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। जेरे तामीर ब्लॉक्स का मुआयना, पार्किंग और बेसमेंट में कूड़ा पड़ा होने से शदीद बरहमी का इजहार। मोहसिन नकवी का एमएस पर सफाई सूरत हाल बेहतर न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार। सेक्रेटरी सेहत और MSP हमरा थे। कैंटीन भी आपकी 2-3 दिन में बन जाएगी। कैंटीन को अभी शीशे लगने लगे, शीशे लगे, क्या रह गया? कंप्यूटर लैग ओपन हो जाएगी और वो बराबर आज गया है, आएगा आपके साथ रोज यहीं आया करेगा। लाइट्स और पंखे लग गए, टाट की जगह फर्नीचर बिछ गया। खिड़कियों के शीशे और जालियां लग गई, पेंट शुरू हो गया। मॉडल टाउन स्कूल की सुनी गई, वजीर आला दोबारा स्कूल पहुंच गए। बच्चों से मुसाफिहा किया, मसाइल पूछे। बच्चों की खेलने की इजाजत ना देने, कैंटीन ना होने की शिकायत। मोहसिन नकवी बोले, वहाब रियाज भी आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे, जल्द कैंटीन भी खोल दी जाएगी। IT लैब के पुराने कंप्यूटर्स तब्दील करने का हुक्म।
नाकिस इंतजामात पर तीन स्कूलों के सरबराहान की इंक्वायरी लग गई। सीओ एजुकेशन की सेक्रेटरी स्कूल्स को कार्रवाई की सिफारिश। गवर्नमेंट्स ली मॉडल स्कूल लोअर मॉल, मुस्लिम हाई स्कूल उर्दू बाजार और सीओ लाइंस के सरबराहान से जवाब तलब। सफाई सुथराई, रंगो रोगन और मास्क का इस्तेमाल न करने पर जवाब तलब। लोहा मार्केटों में सरिया 30,000 रुपये टन महंगा हो गया। इजाफे से सरिया 2,50,000 रुपये का टन हो गया। आइंदा दिनों में सरिया 5,000 से 10,000 रुपये फी टन मजीद महंगा होने का इम्कान। सदर आयरन मर्चेंट एसोसिएशन मलिक तैयब महमूद की सिटी 42 से गुफ्तगू। सार्फिन के लिए बुरी खबर, सोलर पैनल्स की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। सार्फिन के लिए सोलर सिस्टम की कीमत 2 से 4 लाख रुपए बढ़ा दी गई। 7 किलोवाट का सिस्टम 9 की बजाय 11.5 लाख रुपए में लगेगा। 10 किलोवाट का सिस्टम 17 लाख में लगेगा। PIA का माली बहरान रेलवे के लिए सूदमंद साबित। अंदरूनी मुल्क परवाजों की मनसूखी से मुसाफरों ने रेलवे को तरजीह दी। पाकिस्तान रेलवे की आमदनी में भी बेहतरी आने लगी। रेलवे को हदफ से 1,91,70,00,000 रुपए जायद आमदनी हुई। मज़ार इकबाल पर लाहौर लौरे फेस्टिवल के सिलसिले में महफिल समा, वजीर आला मोहसिन नकवी की शिरकत, बाबा बुल्ले शाह का कलाम सुना। सूबाई वजीर असफर अली नासिर, डीसी राफिया हैदर, सेक्रेटरी औकाफ, कमिश्नर लाहौर और खतीब बादशाही मस्जिद भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में मुस्लिम लीग नून की अहम बैठक, मियां नवाज शरीफ वफद के हमराह गवर्नर हाउस मौजूद। अब्दुलरहमान कांजू, अवैस लगारी भी मुलाकात में मौजूद। जनूबी पंजाब बहावलपुर डिवीजन में टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत। वेटरन इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से सीनियर रहनुमा नुमान लंगड़ियाल की मुलाकात, अवामी राबिता मुहिम और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। इलेक्शन 2024 की तैयारियों का आगाज, लाहौर समेत पंजाब भर में 52,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनेंगे। इलेक्शन कमीशन का मरासला IG पंजाब को मौसूल। पुलिस दीगर इदारों से मिलकर इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी इंतजाम करेगी। IG ने मरासला RPOs और DPOs को भिजवा दिया। पंजाब भर में पुलिस चौकियां बहाल। IG का CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और DPOs को मरासला। लाहौर में रजिस्टर्ड पुलिस चौकियों की तादाद 21 हो गई। शेरशाह, फुलरवान, क्रोल, सब्जी मंडी, बीबी पाक दामन, अड्डा प्लॉट चौकी बहाल। पाकिस्तान कस्टम सर्विस के मुलाजमीन और अफसरान असासे डिक्लेयर करने में नाकाम। कस्टम्स हुकाम ने असासों का डाटा मौसूल ना होने पर मुलाजमीन की लिस्टें जारी कर दी। लिस्टों में अप्रेजमेंट, कस्टम्स इन्फोर्समेंट के मुलाजमीन शामिल। मुतलिका अफसरान को बर वक्त डिक्लेरेशन ना करने पर डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। दिसंबर में होने वाले मिड टर्म इम्तिहानात खटाई में पड़ गए। महकमे तालीम स्कूलों में सेमेस्टर सिस्टम के तहत इम्तिहान ना ले सका। तुलबा को तहाल फर्स्ट टर्म इम्तिहानात के नतज ही जारी ना हो सके। अक्टूबर में इस के तालीमी बाइकआउट, फिर आशूब चशम पर इम्तिहानात ना हो सके। वालदेन परेशान।